हेलो फ्रेंड, आई एम सिद्धार्थ राज, वेलकम बैक टू मानदर वीडियो। मेरे को इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा बच्चे का ये मैसेज था, भैया आपने बोला था कि गवर्नमेंट कॉलेज के ऊपर वीडियो बनाओगे, वो वीडियो कब आ रहा है? जस्ट मैं आज कुछ कॉलेज को कवर किया हूं, ये टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है। अगर आपका रैंक लगभग 5 है, अगर आपका रैंक अबव 5 रैंक है, फिर भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने का मौका मिल जाएगा। मैं आपसे इसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप चाहते हो नहीं भैया मैं किसी टॉप कॉलेज में मैकेनिकल लूं, तो उससे अच्छा क्या है आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में मैकेनिकल लो। अगर आपका इंड गोल यूपीएससी हो गया, गेट हो गया, ये सब तरह का कुछ है, तो आप भी ये सब कॉलेज के ऊपर जा सकते हो। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो कंप्लीट एंड तक देखना। इस वीडियो के एंड में ना मैं ट्राई करूंगा क्या सारी चीज को अच्छे से कवर कर दूं, और ना मैं इस कॉलेज में या इस कॉलेज में मेरा फ्रेंड है, ठीक है, और इसका काउंसलिंग जैसे स्टार्ट होगा मैं आपको ट्राई करूंगा जल्द से जल्द इन्फॉर्म कर देने का कैसे काउंसलिंग करना है, ठीक है। जस्ट मैं इन्फॉर्म करके बता देता हूँ आपको। सबसे पहला यूआईटी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, यूआईटी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखो, सबसे पहले अगर आपका रैंक नंबर 40K से लेकर के 10 रैंक तक है, तो आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। ये 40K जो मैं बात कर रहा हूँ ये सीएससी के ऊपर बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये 40K जो है ये सीएससी के ऊपर बात कर रहा हूँ। अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी चाहिए तो 10 लाख तक रैंक है, फिर भी आपको ये बायोटेक्नोलॉजी मिल जाएगा यहाँ पे। अगर मैं आपका मीडियम स्टडी के ऊपर बात करूं, जिसके ऊपर डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं मीडियम स्टडी के ऊपर बात करूं तो यहाँ का 5 लाख है। आप देख सकते हो, आप बस उतना जो प्लेसमेंट है ना, किसी किसी मतलब लगभग मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कॉलेज का नहीं होता है, कितना फीस का आपका, मेरे को वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज लगा। मैंने अपने दोस्त से बात करने के बाद वीडियो को बना रहा हूँ, और लगभग मैं ट्राई करूंगा उसे भी इस चैनल पे ला करके इस कॉलेज के बारे में क्या मैरिट है, क्या डिमेरिट है, उसके लिए डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद आप देख लो यहाँ कितना फी आपका पड़ जाएगा, इंस्टीट्यूशन फी, हॉस्टल फी, लिविंग कॉस्ट सबको अगर इंक्लूड भी करोगे ना तो 5 लाख के अंदर तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। तुम देख सकते हो, और कोई भी प्राइवेट कॉलेज अप्रोक्स आपका लेता है, अप्रोक्स आपका 12 लाख पड़ जाता है, 12 टू 13 लाख पड़ जाता है, कोई भी प्राइवेट कॉलेज चले जाओ, उसके कंपेयर में आपका मीडियम सैलरी होता है 6 लाख, 5 टू 6 लाख होता है, मैक्स टू मैक्स बता रहा मीडियम सैलरी आपका, ठीक है। और उसके कंपेयर में यूआईटी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को अगर देख लेते हो, आपका 5 लाख के अंदर आपका इंस्टीट्यूशन हॉस्टल और लिविंग कॉस्ट प्लस 1 लाख में तुम मान लो अगर तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड सब बन जाती है, मतलब जस्ट मजाक के लिए बोल रहा हूं, गर्लफ्रेंड हो जाता है चंडीगढ़ एक घूमने वाली जगह है, यहां पर तुम घूमना चाहते हो तो 1 लाख एक्स्ट्रा मान लो, तुम्हारा 6 लाख के अंदर तुम सब कुछ कवर कर लोगे अपना, ठीक है। बस मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर चाहते हो भैया मेरे को इसके ऊपर यूआईटी पंजाब चंडीगढ़ के ऊपर कंप्लीट वीडियो बता दो, कौन कौन से कंप्लीट विजिट करते हैं कॉलेज को, इस सब तरह कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, जिसके रिगार्डिंग मैं मैक्सिमम कमेंट लिखूंगा उसके रिगार्डिंग वीडियो बना दूंगा। और मैं हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि मेरी और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। अगर मैं दूसरे नंबर पे बात करूं तो डॉक्टर एसएस भटनागर यूआईटी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, अरे मैं बोर्ड पे फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूं, कैसा लग रहा है ये मेरे को प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। अगर चाहते हो नहीं भैया आप सब वीडियो को बोर्ड पे ही कवर करो, मैं ट्राई करूंगा मोस्ट ऑफ द वीडियो को बोर्ड पे ही कवर करने का, ठीक है। देखो इसका ओपनिंग रैंक क्या है तुम्हारा, 80K तक है तुम्हारा, 80K, ठीक है, 80K तुम्हारा ओपनिंग रैंक है। और मैं एक बात और बता दूं तुमको कि जनरल रैंक के ऊपर मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, अगर भूमि शेष से हो तो और अच्छा है तुम्हारा, जनरल रैंक जी मेंस का जनरल रैंक के ऊपर मैं डिस्कशन कर रहा हूं। इसका ओपनिंग रैंक कितना है तुम्हारा, 80K, ठीक है, और क्लोजिंग रैंक अगर 2 लाख तक भी है तुम्हारा, 2 लाख तक भी है तो मिल जाएगा। और यहां ना ये कॉलेज सिर्फ फेमस है केमिकल इंजीनियरिंग के लिए, इसका नाम केमिकल इंजीनियरिंग का तुम्हारा अगर 1 लाख तक है, मतलब केमिकल इंजीनियरिंग का बात करूं 80,000 तक है तेरे को मिल जाएगा, अगर बी इंटीग्रेट कोर्स साइड ले लूं तो उसका लगभग 2 लाख तक तुम्हारा रैंक तेरे को मिल जाएगा। दोनों बेस्ट है, दोनों यहां का बेस्ट है। अगर मैं बात करूं कितने बच्चे का प्लेसमेंट हो जाता है भैया, क्योंकि आप जैसा जानते हो मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कॉलेज में ये सब ब्रांच का प्लेसमेंट नहीं होता है, अगर मैं इस कॉलेज में बात करूं मोर देन 95 बच्चे का प्लेसमेंट हो जाता है। मैं इधर उधर से नहीं बोल रहा हूँ, उस कॉलेज जो मेरा फ्रेंड पढ़ रहा है उससे मैं बात करने के बाद बनाया हूँ। अगर चाहते हो मैं उस फ्रेंड को चैनल पे लाऊं तो प्लीज मेरे कॉमेंट सेक्शन में बताना। अगर मैं मीडियम स्टडी के ऊपर बात करूं तो 6.5 लाख का, जो तेरे को कभी भी कोई भी टॉप का प्राइवेट कॉलेज वो भी लोअर ब्रांच में कभी नहीं देगा, कभी नहीं, ठीक है। और मैं बात करूं यहाँ का फी के ऊपर तो मैं क्या बोलूँ यार, 2 लाख में तुम्हारी इंजीनियरिंग हो जाएगा, और 1 लाख मान ले तू चंडीगढ़ जैसा ब्यूटीफुल प्लेस में जा रहे हो घूमने का, या फिर खुद का गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड हो जाएगा, तो सबको मतलब समझ रहे हो ना जीवी पॉइंट जो होता है, उसके रिगार्डिंग 1 लाख रुपए तुम यहाँ पे एक्स्ट्रा मान ले, मतलब 3 लाख तक के अंदर तुम्हारा
आपका यहाँ पे लेडी हो जाएगा, वो मस्ती के साथ, थोड़ा फुल मस्ती के साथ, ठीक है। उसके बाद में डिस्कशन करता हूँ यूआईटी पीएमएससी रीजनल सेंटर, इसके ऊपर बात करता हूँ, ठीक है। और चाहते हो इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो तो कमेंट सेक्शन जरूर बताना, मेरे को कैसे पता चलेगा तेरे को कौन सा वीडियो चाहिए, और अपना वैल्यूएबल फीडबैक प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में, जिससे कि मैं आगे इंप्रूव कर सकूं, ठीक है। उसके ऊपर मैं अपनी लाइन के ऊपर बात भी पूछता, थोड़ा 1 लाख तक के तेरे को अपनी यहां पे मिल जाएगा। बाकी मैं इस कॉलेज के ऊपर बता दूं, वन द बेस्ट कॉलेज, अगर तेरे को लोअर रैंक चाहिए प्लीज तू इस कॉलेज में जा सकते हो यार, मैं 100% सिक्योरिटी के साथ देता हूं, बहुत वन द बेस्ट कॉलेज है, ऊपर से गवर्नमेंट कॉलेज है, तेरे ऊपर टैग निकल जाएगा, हां भाई गवर्नमेंट कॉलेज से है, ठीक है। उसके बाद मैं इसके ऊपर बताता हूं, बट इसका क्या ओपनिंग रैंक तुम्हारा 1 लाख है, क्लोजिंग रैंक तुम्हारा 10 लाख है, यहां देखो 10 लाख तक भी है तुम्हारा, किसी भी अगर कोई प्राइवेट कॉलेज ले रहे हो लोअर ग्रेड उससे से तुम यहां पे आ सकते हो, ठीक है। और मीडियम सैलरी के ऊपर बात करूं, थोड़ा सा मैंने सर मीडियम सैलरी में लो 25 लाख का इंक्लूड होकर के 4 लाख तक हुआ है तुम्हारा, ठीक है, ये देख सकते हो। और इंस्टीट्यूशन भी हॉस्टल भी लिविंग हॉस्टल को इंक्लूड कर दूं, 5 टू 6 लाख तक आपका ये लिविंग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बहुत वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है ये, चार का चार चाहते हो या इसी तरह का और भी कॉलेज बताओ, मेरा रैंक लगभग 3 लाख या 4 लाख है, बेस्ट कॉलेज बताओ, मेरे को सीएससी ही चाहिए उसके रिगार्डिंग बताओ, भैया मैं बोर्ड बेसिस पे कौन सा कॉलेज में ले लूं, मैंने जेईई मेंस का नहीं ले रखा था, तो ये सब तरह का कोई वीडियो मतलब चाहिए तो मेरे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं ट्राई करूंगा जल्द से तुम तक वीडियो लाने का। उसके बाद मैं डिस्कशन करता हूं, उसके बाद डिस्कशन मैं करता हूं चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज ये भी है, इसमें मेरा फ्रेंड है, इसमें मेरा फ्रेंड है, ये दोनों में नहीं है, मैं ट्राई करूंगा इस दोनों फ्रेंड के थ्रू इस दोनों कॉलेज में पढ़ रहे स्टूडेंट को कैंप पे लाने का, ठीक है, जल्द से जल्द मैं ट्राई करता हूं। चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, अगर मैं ओपनिंग रैंक के ऊपर बात करूं, और ओपनिंग रैंक के ऊपर बात करूं 60 के, ठीक है, और क्लोजिंग रैंक के ऊपर बात करूं 2 लाख तक के तुम्हारा तेरे को मिल जाएगा। अगर मैं मीडियम से लेके के ऊपर बात करूं तो 4.8 लाख जो कि वन ऑफ द बेस्ट बोल सकते हो, 4.8 लाख नहीं देगा तेरे को यार कोई भी, यहां देख लो यार तुम अगर लगभग मान ले तो अगर यहां पे तुम इन्वेस्ट करते हो 3 लाख तुम इन्वेस्ट करते हो तेरे को 4.5 मतलब अप्रॉक्स 5 लाख तेरे को, अगर अप्रॉक्स 5 लाख का प्लेसमेंट अगर होता कितना बेस्ट है यार, ये सोचना इंस्टीट्यूशन फी हॉस्टल फी लिविंग कॉस्ट सबको देख भी लोगे 3 लाख अगर बन गए एक्स्ट्रा अपना लाइफ को एंजॉय कर लेते हैं, ठीक है। जस्ट मैंने ये चार कॉलेज के ऊपर डिस्कशन कर दिया हूं, अगर इसी तरह का वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब कर देना और छोटे से फैमिली का मेरा मेंबर बन जाना, अगर मेरा वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना, जिससे कि मेरी और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले, प्लीज अपना फीडबैक जरूर कमेंट सेक्शन में देना आपको कैसा लगा, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम बोर्ड पे यहां पे टीच कर रहा हूं, अगर चाहिए भैया हां बोर्ड पे ही बताओ तो प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं तेरा फीडबैक का वेट करूंगा, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।